वर्दी वर्दी भाई भाई लेके रहेंगे पाई पाई। पंजाब की जीत हमारी है, अब सीआईएसएफ की बारी है। सीआईएसएफ जवानों के नारे छत्तीसगढ़ बोकारो के सीआईएसएफ कैंप से गूंज रहे थे। नारे की गर्मी ऐसी थी कि दिल्ली के तख्त पर बैठी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के पसीने छूटने लगे। भारत सरकार इस नारे को जल्द से जल्द दबाना चाहती थी। सरकार फैसला लेती है कि वह भारतीय सेना को भेजेगी। सीआईएसएफ के महीनों से जारी इस प्रदर्शन को रोकने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था जब देश की दो सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे की खून की प्यासी बन बैठी थी। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में हुई थी। महज 3 बटालियन के साथ अस्तित्व में आई इस फोर्स का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को सुरक्षा देने का रहता है। देश में कुछ इसी तरह के और भी फोर्स हैं जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। इन सब के काम बटे हुए हैं और एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वहीं कई मौकों पर पैरामिलिट्री के ये जवान भारतीय सेना जैसा काम भी करते हैं। मगर इन्हीं में से कई फोर्सेस को केंद्र पुलिस का तबका मिला हुआ था, जैसे कि उस समय की सीआईएसएफ जवानों को। इसी तकनीकी और कागजी के झोल में अर्धसैनिक बलों के जवानों को कई सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। मान लीजिए बीएसएफ का कोई जवान कितनी ही बहादुरी से जंग में अपना पराक्रम दिखा ले, लेकिन उसे परमवीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता। यही कारण था कि अपनी स्थापना के 10 साल बाद यानी मार्च 1979 में देश भर की सीआईएसएफ यूनिट ने मिलकर एक यूनियन बनाई और इसके महासचिव बने सीआईएसएफ के सदानंद झा। इसके बाद यूनियन के कई सदस्यों ने जनता पार्टी वाली सरकार के गृह मंत्री के पास अपनी डिमांड लेकर गए और दिल्ली में मंत्रालय के बाहर कई दिनों तक जमकर हंगामा किया। लेकिन हाल ज्यों का त्यों, दिल्ली में हंगामा हो रहा था तो वहीं बोकारो के स्टील प्लांट में सीआईएसएफ के बागी जवानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारे लगने लगे, वर्दी वर्दी भाई भाई लेके रहेंगे पाई पाई, पंजाब की जीत हमारी है, अब सीआईएसएफ की बारी है। 1900 सीआईएसएफ जवानों में से 1100 जवान बागी हो चुके थे। अफसरों के घरों को घेर लिया गया था, किसी को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ये हालात तब थे जब इन इलाकों में नक्सलवाद अपने चरम सीमा पर था। राज्य सरकार हैरान परेशान थी। मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार ने 9 मजिस्ट्रेट और सीआरपीएफ को बुलाकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। फ्लड लाइट्स लगा दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई। इसी बीच मोरारजी देसाई ने दिल्ली से आर्मी भेजी। बोकारो के स्टील प्लांट का दृश्य किसी जंग के मैदान जैसा हो चला था। बागी जवानों ने रेत की बोरियां और प्लांट में मौजूद हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले ली। 24 जून 1979, दो तरफा घिरे सीआईएसएफ जवानों से बात करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सारे विफल रहे। फिर आया 27 जून 1979 का वो काला दिन जब दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। बोकारो के जमीन पर लगातार 3 घंटों तक देश की दो सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे पर गोलियां चला रही थी। भीषण चली इस गोलीबारी में एक मेजर समेत सेना के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं सीआईएसएफ की ओर से मरने वालों की गिनती 22 से 29 बताई गई। अब इनमें कितने लोगों को कितनी सजा मिली, प्रदर्शन में जुड़े जवानों का क्या हुआ, ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन से सरकार ने हटा ली है। हादसे से जुड़े लोग बताते हैं कि इस घटना में शामिल जवानों से कईयों को फांसी या उम्र कैद की सजा सुना दी गई, बाकी को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही उनके सभी रिकॉर्ड्स को सीआईएसएफ की फाइलों से मिटा दिया गया। इसके बाद 1983 में जाकर सीआईएसएफ को सशस्त्र बल का दर्जा मिला और इसके जवानों को भी बाकी अर्धसैनिक बलों की तरह सुख सुविधाएँ मिलने लगीं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।